गोरखपुर के बैंक रोड पर स्थित शर्मा जी के चाय और बंद मक्खन की दुकान इतनी फेमस है कि दूर दूर से लोग इसका लुफ्त उठाने आते हैं। दुकान पर बैठे प्रमोद से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया, 7 साल पहले इस दुकान की शुरुआत हुई तब सिर्फ यहाँ चाय बिका करता था और मात्र चंद लोग ही आया करते थे। धीरे धीरे दुकान पर बंद मक्खन की शुरुआत हुई और फिर शहर की भीड़ इस दुकान पर इकट्ठा होने लगी। आज करीब 10 लोगों को रोजगार इस चाय की दुकान से मिलता है और चाय की दुकान चलते हुए लोग बंद मक्खन और चाय का लुफ्त उठाते हैं। 35 रुपये के कॉम्बो पैक में लोगों को इसका लुफ्त उठाना अच्छा लगता है। शर्मा जी की इस दुकान पे लगभग 5 साल से चाय और बंद मक्खन की शुरुआत हुई है, तब से यहाँ पर भीड़ लोगों की लगी रहती है। एक दिन में करीब 500 चाय और 200 बंद मक्खन का सेल इस दुकान से हो जाता है। आइए जानते हैं प्रमोद क्या कहते हैं। क्या नाम है भैया? ये शॉप कब से शुरू हुई है? 7 साल। किस चीज किस क्या क्या देते हैं आप लोग? बंद मक्खन, चाय, समोसा। और ये बताइए कितने क्वांटिटी में एक दिन में बंद मक्खन और ये चाय यूज करते हैं आप? कितने कप चाय दे देते हैं और कितना बंद मक्खन? 5-6 कप चाय मिल जाता है। आस के एरिया में भी इसकी सप्लाई आप लोग करते हैं? सप्लाई नहीं करते हैं, आपके हाथ में जाते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स वगैरह में भी आपके यहाँ एक एक कितने क्वांटिटी में भीड़ होती है लगभग? आपके यहाँ लोग आते जाते रहते हैं सुबह शाम? 20-30 लोग एकदम आते हैं यहाँ पे। और कितने बजे ओपन होती है ये? 6 बजे। और कब बंद करते हैं? रात में 8 बजे। 8 बजे